हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 707 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 मई 2023 को आया। यह केस सेक्शन 263 की रिवीजन पर है, जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह पावर देता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है जो कि पहली कंडीशन ऑर्डर इरोनियस है और दूसरा यदि वो ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर है कि वो उस ऑर्डर को सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज करने की पावर रखता है और असेसिंग ऑफिसर को यह डायरेक्ट कर सकता है कि आप इस ऑर्डर को दोबारा लिखें। जो सेक्शन 263 के दो पहलू हैं कि ऑर्डर इरोनियस होना चाहिए और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू होना चाहिए, उसमें से जो सेकंड पार्ट है प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू, उसमें कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है कि यदि रेवेन्यू को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मोटे तौर पे यदि अपने टैक्स का नुकसान हो रहा है उस ऑर्डर की वजह से, तो डिपार्टमेंट उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। हालांकि यह भी सिद्धांत है कि खाली इस वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स कम मिला, खाली इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है। इसके ऊपर भी केस लॉज हैं। अब बात यह आती है कि ऑर्डर किन किन परिस्थितियों के अंदर इरोनियस हो सकता है। जनरली यह माना जाता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन एडिक्वेट इंक्वायरी की है, तो उस केस में यह कहा जा सकता है कि जो ऑर्डर पास किया असेसिंग ऑफिसर ने वो इरोनियस है। लेकिन यदि असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को लेटर लिखा सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर कि आप ये डिटेल प्रोवाइड करें, असेसी ने वो डिटेल एक नोट के द्वारा प्रोवाइड करी और कुछ डिटेल असेसी ने प्रोवाइड नहीं की। उदाहरण के तौर पर इस केस में जो असेसी था उसने नोटिस के मुताबिक ब्रेकअप नहीं दिया था और ये नहीं बताया था कि किन सालों के अंदर प्रोविजन को राइट बैक किया गया है। ये खाली एक नोट्स ऑन एक्टिविटीज देने के बाद भी, खाली एक जो क्वेरी के ऊपर नोट देने के बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने उस नोट को कंसीडर किया जो असेसी ने दिया था और अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। कहने का मतलब यह है कि और दोबारे उस इशू पर फर्दर इंक्वायरी नहीं की और जो असेसी ने पार्टली इंफॉर्मेशन दी थी उसके आधार पर असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। तो क्या सवाल उठता है कि इस केस में ये असेसिंग ऑफिसर की गलती है कि उसने दोबारा इंक्वायरी नहीं की, और क्या इसके लिए भी असेसी का ऑर्डर सेक्शन 263 में रिवाइज किया जाना चाहिए? तो इस मुद्दे पर आईटीएटी का कहना यह था कि यह नो इंक्वायरी का केस है, यह इनएडिक्वेट इंक्वायरी का केस नहीं है। यदि असेसिंग ऑफिसर ने इनएडिक्वेट इंक्वायरी की होती तो ऐसी परिस्थिति के अंदर शायद 263 को नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा माना जाएगा कि यह इंक्वायरी ही नहीं की, क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर ने डिटेल मांगी थी वो असेसी ने नहीं दी, इसलिए उस इशू पर ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ। तो जो असेसी यह चैलेंज कर रहा था कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर इनएडिक्वेट इंक्वायरी का जो एलिगेशन है वो सही नहीं है असेसी के ऊपर, तो इसके ऊपर आईटीएटी का कहना था कि यह केस इनएडिक्वेट इंक्वायरी का नहीं है, यह केस नो इंक्वायरी का है, इसीलिए यह ऑर्डर इरोनियस है और जो सेक्शन 263 के अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिवीजन का ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर सही है। फ्रेंड्स, इस केस से जो बात मोटे तौर पे निकल के आती है वो ये है कि यदि जो कहावत है
कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि जो असेसिंग ऑफिसर्स की मिस्टेक के लिए भी सेक्शन 263 के अंदर असेसी को पिनलाइज किया जाता है, उसके लिए एक लिटिगेशन जो है वो ओपन रहती है। इस तरीके का कानून जो है वो नहीं होना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द दिल्ली हाई कोर्ट। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 707 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11th मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।